कोरोना बीमारी के कारण इस बार अधिकतर प्रतियोगिताएं ऑनलाइन ही करवाई जा रही हैं। हर साल होने वाले बाल विज्ञान सम्मेलन और इंस्पायर अवार्ड के लिए इस बार ऑनलाइन ही आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक सुधीर चंदेल के अनुसार इस बार प्रतियोगिता ऑनलाइन करवाई जा रही है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर तक बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए अच्छी रजिस्ट्रेशन हुई है और बच्चे ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए भी बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सुधीर चंदेल ने बताया कि कोविड बीमारी की वजह से बाल विज्ञान सम्मेलन ऑनलाइन करवाई जा रही है और बच्चों को घरों में रहकर मॉडल तैयार करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक 750 बच्चों ने बाल विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन अंतिम दिनों में ये रजिस्ट्रेशन बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस बार साइंस क्विज, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक सर्वे, साइंस एक्टिविटी कॉर्नर ही करवाई जाएगी, जबकि 2 एक्टिविटी को नहीं करवाया जाएगा। वहीं इंस्पायर अवार्ड के लिए भी छात्र अच्छा रुझान दिखा रहे हैं। सुधीर चंदेल ने बताया कि ऑनलाइन सर्वे से ही छात्रों के मॉडलों का चयन किया जाएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न तैयार किए जाएंगे और प्रैक्टिकल घरों के नजदीक ही करवाए जाएंगे। कोविड-19 की वजह से इस बार सारे जो प्रतियोगिताएं हैं वो ऑनलाइन होने जा रही हैं। इस वजह से थोड़ा पहले तो शुरू में रजिस्ट्रेशन कम हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं और सभी स्कूल जो हैं, चाहे सरकारी स्कूल हों गैर सरकारी स्कूल हों, उनसे बहुत अच्छी रजिस्ट्रेशन जो है हो रही है। इस बार बाल विज्ञान सम्मेलन जो हैं उनमें पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष केवल 4 एक्टिविटीज़ के ऊपर ही जो है वो कंपटीशन होंगे, जिसमें मुख्य रूप से साइंस क्विज, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस एक्टिविटी कॉर्नर और जो मुख्य है साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट जो है, जो नेशनल तक जाती है, ये 4 एक्टिविटियाँ जो हैं इस बार जो हैं हो रही हैं। बाकी 2 एक्टिविटियाँ थी साइंस किट और दूसरा हमारा दूसरी तरफ इंस्पायर अवार्ड की भी नॉमिनेशन जो है वो 1 जून से प्रारंभ है और 30 सितंबर उसकी भी लास्ट डेट है। उसमें भी लगभग जिला के 325 नॉमिनेशनें अभी तक हो गई हैं, पर मुझे लगता है कि अभी आगामी 10 दिनों में लगभग हमारी नॉमिनेशन जो है 1000 तक पार्टिसिपेंट्स जो हैं उसमें जो है प्रतिभागी भाग लेंगे। इस बार लगभग अभी 775 नॉमिनेशनें जो हैं इस वक्त हो गई हैं, लेकिन अभी ये जो हमारे 25 तक 4-5 दिन हैं, मुझे लगता है इसमें लगभग हमारा आंकड़ा जो है 2000 से ज़्यादा जो है प्रतिभागी जो हैं इसमें भाग लेंगे और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। कोविड की वजह से थोड़ा लगता था कि कम रहेंगे, लेकिन नहीं, अब जैसे पाठशालाएँ भी अब खुल गई हैं तो 9th से प्लस 2 के बच्चे भी पाठशालाओं में जाएंगे, तो उससे जो है हमारी प्रतिभागी जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ेगी। ऑनलाइन सर्वे में जैसे साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट है, साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट में ऐसे पहले लगता था कि हम प्रैक्टिकल वर्क जो है फील्ड में जाके ज़्यादा करते थे, लेकिन इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है कि बच्चे जो हैं जैसे क्वेश्चन ईयर तैयार करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जो है क्वेश्चन ईयर जो है अपना जो है वो तैयार कर सकते हैं और प्रैक्टिकल वर्क में थोड़ी छूट दी गई है ताकि बच्चों को ज़्यादा बाहर फील्ड में ना निकल पाए। लेकिन जो इस वर्ष का जो विषय है वो सारा जो है वो अपने निजी अपने घर गांव में ही अपने घर पे ही जो है उस पर आधारित जो है विषय जो है वो डाले गए हैं, तो उस पर जो है वो बच्चे घर से ही अपनी सर्वे रिपोर्ट जो है वो तैयार कर सकता है।